गाइस वर्ल्ड कप फाइनल पहला चौका और हमारे साथ देख कितने पहला गोल पहला चौका मार दिया रोहित ने। वर्ल्ड कप फाइनल है और ये धक धक क्यों हो रहा है भैया? आज करो या मरो है। मेरा तो दिल निकलने जा रहा है भैया। सोचो वो जो खेल रहे होंगे उनका क्या हाल हो रहा होगा। नरेंद्र मोदी स्टेडियम सबसे बड़ा क्रिकेट का स्टेडियम है, वहां पे वर्ल्ड कप फाइनल, इंडिया कर रही है पहली बैटिंग। ये क्या हुआ, कैसे हुआ? देखिए शुरुआत बड़ी अच्छी थी, जबरदस्त शुरुआत जो हर बार होती है वैसे ही शुरुआत की गई, लेकिन उसके बाद वही हुआ जो आई थिंक एक दो चीज़ें तो होती हुई आई हैं कि शर्मा जी का एक और शॉट, उस पर वो आउट, और उसके साथ एक चीज़ फ्री में मिल गई, श्रेयस अय्यर भी आउट, मतलब तीन विकेट गिर चुके हैं। तो अब फिर से बारी है भाई विराट कोहली, आप ही कुछ कर दो, भगवान हो आप ही बचा लो हमें। तो अभी विराट कोहली और लोकेश राहुल दोनों खेल रहे हैं अपना भाई, मतलब इनिंग बिल्डअप वाला काम कर रहे हैं। बट जो हुआ मेरे हिसाब से मैं इसको बोलूँगा, देखो ठीक है रोहित शर्मा ने बहुत अच्छी शुरुआत दी है, लेकिन ज़रूरत नहीं थी यार, मतलब उसी सेम ओवर में मैक्सवेल आ रहा है, आप छक्का मार दिए, चौका मार दिए, उसके बाद में फिर से एक और शॉट, मतलब यार ठीक है रन भी अच्छे थे, ऐसा नहीं था कि भाई 10 बॉल आउट कर दिए कि दोबारा से शॉट मारना है। अब रन बन रहे हैं, बाउंड्रीज लगा रहे हो, एक और बाउंड्री, तो ये तो यार मतलब यही हुआ कि फेंक दिया अपना विकेट। वर्ल्ड कप में ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरा मेरा मतलब ये ऐसा सोचना है कि भाई पिछली 7-8 इनिंग देख लो वर्ल्ड कप की, हर बार वही 40-50 के बीच आउट होना, तो भाई हर एक बंदा कम से कम इतना तो सोचता है कि यार मैं हर बार इसी पर्टिकुलर जो रनों का एरिया होता है वहां मैं आउट हो जाता हूं, तो चलो इस बार मैं थोड़ा धीरे खेल लूंगा, 50 बनने के बाद फिर शुरू कर लूंगा। भाई साहब ये भी नहीं सोच रखा, क्या बोल रहे हैं, इसके दोनों पार्ट हैं। काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को अप्रिशिएट भी कर देंगे कि भाई बड़ी अच्छी बात है, तगड़ी शुरुआत देते हैं, बट यार वर्ल्ड कप फाइनल है, जिम्मेदारी बनती है। ठीक है हर बार ऐसा नहीं होता है कि कोहली आ गया और बंदे आ गए उन्होंने रन बना दिए, भाई रन तो 300-350 बनाने हैं ना, तो आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती है ना कि कम से कम 100 रन तो बनाओ। खैर देखते हैं भाई साहब जो भी होता है नहीं होता, बट माहौल पूरा ख़राब कर दिया यार, सच्ची बता रहा हूँ, जितने लोग बैठे थे सब भग गए, आधे तो भग गए, एक बच्चा ये सो गया था अभी उठ के आया है, बच्चे को समझ नहीं आता है, मूड खराब हो गया यार, अब क्या करें अब, मतलब पूरा अब वही है बोरिंग जैसा चल रहा है, बैठे रहो ये धीरे धीरे खेलते रहेंगे 400 तो भूल जाओ, क्या बोले यार 400 तो खैर नहीं बन सकते, अरे 300+ बन जाए जो बहुत बड़ी बात है भाई। लग गए देखिए गाना गाने की जरूरत है नहीं, आप ऐसा समझ लीजिए कि अंदर पहाड़ टूट चुका है, दुखों का पहाड़ टूट चुका है, उसके बावजूद भी चेहरे के ऊपर खुशी है, करे तो क्या करें। देखो हमारे बंदों की हालत देखो तुम, ये देखो दिल टूट गया, वो जो सबसे लास्ट में बैठे अभी कांच का गिलास तोड़ के भग जाता है बाहर, पकड़ लिया हमने, चांस है कि कांच का गिलास लैपटॉप टूट सके मेरे बल्ले। देखिए अभी सिर्फ पहली पारी का अंत निकट है, 48.3 ओवर्स, 229 रन्स, 9 विकेट हो चुके हैं, और मुझे ऐसी उम्मीद लग रही है कि ये लोग पूरे ओवर भी नहीं खेलेंगे, उससे पहले ऑल आउट हो जाएंगे। अभी अभी सूर्य कुमार यादव का विकेट हो चुका है, जिन्होंने अपनी बेकार सी काबिलियत का प्रदर्शन किया है क्रिकेट के मैदान में, और पहली इनिंग देख के पता लग रहा है कि एज ए इंडियन क्रिकेट फैन होना कितना बड़ा गुनाह है, मतलब अगर आप फैन होते हो, दिल से कनेक्ट हो जाते हो, तो कितना पेन होता है वो अभी पता लग रहा है। देखो ये पहले ही पता लग चुका था, फिर बीच में क्रिकेट छोड़ दिया था देखना, उसके बाद एशिया कप के 2 मैच देखे थे, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एंड फाइनल, अभी ये वर्ल्ड कप देखा शुरू से, तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग शायद चाहते नहीं है कि हम आगे भी क्रिकेट देखें। भाई साहब हालत ऐसी है, अगर रनों की बात करें, देखो मैं ये नहीं कहूँगा कि अगर ये 230 हैं 235-240 तक बनाएंगे तो वो कम रन है, नहीं डिफेंड हो जाते हैं इतने रन, बट उसके लिए बहुत अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी। बट एक दूसरी चीज भी है कि फाइनल में आपके सामने है ऑस्ट्रेलिया, जब ऑस्ट्रेलिया सामने होती है तो सीधी सीधी 1 पॉइंट तो बड़ा क्लियर हो जाता है कि हारने के चांसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। ऐसा मैं नहीं, जो हमसे बड़े हैं जिनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है वो ऐसा कह रहे थे, तो शायद उनकी बात सही लग रही है, ऑस्ट्रेलिया डेंजरस टीम है, फाइनल में
फाड़ देती है। मतलब आज इंडियन टीम के जो बैट्समैन उन्होंने दिखा दिया कि भाई पूरे वर्ल्ड कप में इंडिया टीम एक अलग टीम थी, फाइनल में बिल्कुल अलग है। आज वो टीम है जो इससे पहले दिखती थी। अब वही है कि वर्ल्ड कप जीतना है तो कोई मिरेकल हो जाए, कोई कमाल हो जाए, हमारे बॉलर पहाड़ तोड़ दें, कुछ तगड़ा काम कर दें, अदरवाइज चांसेस बहुत कम लग रहे हैं अभी। कमाल अब सिर्फ अनिस है और या फिर उसका बेटा ही कर सकता है, वरना खिलाड़ी बिल्कुल भी जीत नहीं सकते। तीन के तीन ने कह दिया नहीं जीतेगी। इसमें सबसे बड़ा कारण मैं बताऊं, मेरा दिल तो कह रहा है जीतेगी बट दिमाग कह रहा है हारेगी भैया, क्योंकि यार 250 रन और अभी वहां पे ओस आएगी, ड्यू आएगी, इसका मतलब बैटिंग और इजी हो जाएगी, बॉलिंग और डिफिकल्ट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत मुश्किल है। एक होता है ना मिरेकल टाइप की, भाई क्या बॉलिंग करिए यार, ऐसी बॉलिंग आज से पहले देखी नहीं, उस केस में इंडिया जीत सकती है। अदरवाइज एक नॉर्मल क्रिकेट की तरह अगर देखेंगे और चीजें होती हैं तो इंडिया हार गई। देखिए हालात बहुत बेकार हैं, 168 रन, 3 विकेट, 30 ओवर, 73 रन और चाहिए ऑस्ट्रेलिया को, जो लग रहा है आराम से बना लेंगे और जीत जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि वर्ल्ड कप हम लोग हार चुके हैं ऑफिशियली, और मतलब अभी तो वैसे 20 ओवर हैं बट हार मान ली है पहले ही कि भाई हार गए। अब वो एक एक बॉल वाइज देख नहीं सकते, हारते हुए टाइम वेस्ट भी लगता है और साला दिमाग भी ख़राब हो रहा है। सो हम तो पहले ही हार मान लेते हैं। सो दैट्स इट, थैंक यू। अभी बस यही है कि भाई इस बार टीम इंडिया डिजर्विंग थी कि मौका था, सबसे अच्छी टीम लग रही थी बट कुछ नहीं कर पाए फाइनल में। तो वही बात है भाई, अब मुझे ऐसा लगता है कि इस हार के बाद आने वाले 10 साल या फिर 2-3 वर्ल्ड कप लगा लो, 2 वर्ल्ड कप तो खास तौर पे वो इंडिया जीत भी नहीं पाएगी, क्योंकि जो मोटे प्लेयर हैं रोहित शर्मा, विराट कोहली, अश्विन, जडेजा, ये सब बाहर होने वाले हैं, अब अगले वर्ल्ड कप में नहीं दिखेंगे ये लोग, और उसके बाद वर्ल्ड कप जीतना इतना ईजी है भी नहीं। तो हैप्पी एंडिंग नहीं है इस कहानी की। मेरे को तो अजीब लग रहा है कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, वो भी अमित शाह आया था, हार गई। देखिए अपन जो शुरू से टीम इंडिया की तारीफ कर रहे थे कि टीम इंडिया ने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की है, बहुत अच्छा खेल रही है, वो वाला एफर्ट इस फाइनल में नहीं दिखा, जिस कारण ये बाहर हो रही है ना, इसमें वो एफर्ट नहीं दिख रहा है। बहुत कोशिश की ढूंढने की पर नहीं मिला, क्या है। एक तो सूर्य कुमार जो धुआंधार खेलता है, वो ऐसे खेल रहा था कि मेरे को जिंदा रहना है लास्ट, ये क्या मतलब है, और इस चक्कर में आउट भी हो गया। इनके जो खिलाड़ी थे ना, विशेषकर बैट्समैन, मेरे को तो उनकी गलती लगती है अधिकतर। देखिए गलती का तो पिटारा पीटते रहिए, किसकी गलती है, वो गौतम गंभीर वाली बात हो गई, अब ढूंढते रहिए गलती किसकी है, किसने जिताया किसने नहीं जिताया। पर यार यही है कि देखिए बैट्समैन है ना, उन्होंने भी अच्छा नहीं खेला, वो बीच में रोहित शर्मा का विकेट हुआ, उसके बाद श्रेयस अय्यर तो कम से कम रुकना चाहिए था उसको, तो पर वो भाई सभी फील्डिंग भी इतनी खास नहीं है जैसे ऑस्ट्रेलिया वाले खिलाड़ी कर रहे हैं ना। सो थैंक यू एंड बाय बाय।